मौजूद हैं आरा लोकसभा क्षेत्र के आरा शहर में, और एक भाई मुझे मिले हैं जो आरएसएस में हैं। और आरएसएस ये क्यों ज्वाइन किए हैं, बहुत कम उम्र में ये, इनका नाम क्या होगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में इनको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आरएसएस को ज्वाइन करिए, पढ़ाई की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करना आखिर क्यों? तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम पड़ेगा नितिन राज पाठक और मैं एक आरएसएस का हूँ। आरएसएस, एक मिनट आपको रुकूंगा, आरएसएस इतनी छोटी सी उम्र में आरएसएस ज्वाइन करने का कारण क्या हुआ? देखिए, आरएसएस लोग कहता है कि वो विरोधी, चाहे कोई भी आरएसएस का मेन भाग है आपको आज़ादी से पहले ही आरएसएस है। आज़ादी में आरएसएस ने साथ दिया, आरएसएस आपके लिए जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आरएसएस को कुछ लोग उसको हिंदू टेररिज्म के नाम से विख्यात करता है, पर आरएसएस आपको मानवता, संस्कार, सुरक्षा और धर्म की रक्षा, देश की रक्षा सिखाता है। जो हमारे में एक कहावत है कि अगर जो देश का नहीं हो सकता वो किसी और का हिस्सा, और ये आपको बता दें कि अब तो एक इलेक्शन का माहौल है, कुछ लोग पार्टी बोलते हैं कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। आप बजरंग दल पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? बजरंग दल को आप समझे क्या है? बजरंग दल एक बहुत बड़ा संगठन है, जो भी आरा में चाहे कहीं भारत में घटना होती है तो बजरंग दल का कार्यकर्ता आगे आता है। अरे, कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को मिटाने जा रही है, वो पहले देख लीजिए किसका नाम है उसमें। बजरंग बली पूरा लंका जला दिया, सबकी बात लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ना जला दे। मतलब कि आरएसएस और इनका कहना है कि जो बजरंग दल है वो एक संगठन है, वो संगठन के तौर पे काम करती है। मतलब कोई भी भारत में घटना होती है उसके पक्ष में, मतलब वो अगर सही होगा तो उसको वो आगे अग्रसर करती है, अगर वो गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, इनका कहना यही है। तो नितिन जी, ये बताइए कि आरएसएस ज्वाइन करने पर क्या कुछ चार्जेस भी होती हैं, या कुछ ऐसी बेड़ियाँ भी लगाई जाती है कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते? ना, ऐसा बात नहीं है, वो कोई चार्जेस और कोई बेड़ियाँ नहीं होती है। हाँ, आपको सुबह आना है, आपका भौतिक और मानसिक विकास किया जाता है, शारीरिक रूप से आपको खेलने कूदने का, और जो हम लोग आपको बोलते हैं, लोग आप लोग बोलते हैं दौड़ धूप, मतलब जो प्रैक्टिस जंपिंग वो सब होती है, पर हम लोग उसको रगड़ा होता है। हम लोग अपना शाखा में आते हैं, लोग हमारे शाखा प्रमुख हमको ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, ये कीजिए अपना शरीर को विकास कीजिए, बस ये और कुछ नहीं, आपको अनुशासन सिखा देते हैं। मतलब आरएसएस बोले तो अनुशासन का दूसरा रूप। हाँ, अब दे देखिए, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी का माला पहने हुए हैं, और अभी हम बता दें कि अमित शाह जी आए हुए थे आरा लोकसभा क्षेत्र को आर के सिंह के लिए वोट मांगने के लिए, तो ये बीजेपी का माला आरएसएस धारण कर लिया है, क्या बात है? देखिए, अब ये दोनों एक ही है, बीजेपी आरएसएस दोनों अंग। मान लीजिए आपका बॉडी, आप बॉडी में कोई हाथ हो, कोई दूर हो, कोई पैर, वैसे ही ये है। और लोग, और इसका आप गलत लोग इसको नजरी से देखो तो बात अलग है, उसका देखने का ओपिनियन है, पर मेरा कहना है जो मेरे राम का है मैं उसका समर्थन हूँ। बैल भले मेरा विकास ना हो, मोदी जी चाहे योगी जी मेरा घर नहीं चला, मेरा घर वो चलाने नहीं आते हैं, ना योगी जी से मिले ना मोदी जी से मिले हुए हैं। हम मिले हुए हैं तो सिर्फ अपने प्रभु से, अपने राम से। 500 साल से मंदिर बंद था और कांग्रेस पार्टी ने उसको पे ताला लगवाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी प्रमाण मांगती थी कि राम है। अरे भाई, जो जगत पालन है आप उसका प्रमाण मांगते हैं, कहीं आपका कोई प्रमाण मांग देगा तो आप कहाँ से निकलेंगे? राहुल गांधी कहाँ के हैं? ना इंडियन है ना ची है, वो बीच वलिया है। तो यही बात है। तो ये थे नितिन जी, और ये आरएसएस में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, और बीजेपी के भक्त भी हैं। और तो मतलब हम बीजेपी के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं। मतलब इनका कहना है कि जो राम के हो गए हम उस पार्टी के हो जाते हैं, मतलब आरएसएस बोले तो जो प्रभु श्री राम का हो जाता है उनका आरएसएस वाले हो जाते हैं। यानी जैसे आजकल जो ये आप देख रहे हैं कि आरएसएस जो है श्री मोदी जी जो है वो श्री राम मंदिर बनवाए, और इसीलिए आरएसएस जो है वो मोदी जी के साथ में रहती है। तो ये थे नितिन भाई, और ये आरएसएस ज्वाइन किए थे। देखिए, और ये कुछ और मुझे आरएसएस ज्वाइन करने से पहले कुछ बोला भी कि आरएसएस की बात है। हम जब से अपना होश संभाले तब से मेरी घर में मेरे दादी माँ हमको सिखाई कि बहुत हम लोग धर्म पे अत्याचार हुआ, मुगल आए, अंग्रेज आए और बहुत शासन किए लोग, और हिंदुओं को सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की। पर एक बात बताइए, पावर सनातन से शुरू होला, सनातन पे ख़त्म होला, पावर और कोई कहाँ से ले आ गई? इसीलिए काराकाट में पावर पवन सी से शुरू होता का पवने सी को ख़त्म हो जाएगी।
अब देखिए हम तो कड़ा काट के रहने वाले नहीं है, पर मेरे रिलेशन में हैं लोग। अब देखिए अब ये तो रिलेशन वाले क्या बोलते हैं, किसके तरफ वोट जा रहा है आपके रिलेशन वाले का? अब देखिए भीड़ जुटाने में अब वोट पाने में बहुत अंतर होता है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, कौन सी नहीं जीत पाएंगे? पावर स्टार है तो उसको तो भाई अब मौका तो देना चाहिए, हर किसी को मौका देना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वहाँ पे पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कहीं बीजेपी वाले आपसे नाराज ना हो जाए? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा कहना ये है कि हर किसी को मौका देना चाहिए, लाइफ में हर किसी को मौका देना चाहिए और हर किसी को ओपिनियन देना चाहिए, मेरा ये कहना था। चलिए ये थे नितिन भाई और इनका जो अपना मत था वो मत रखे। वीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़े हुए थे, अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।